नमस्ते दोस्तों, हिंदी की सुरुचिपूर्ण कहानियों की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज सुनते हैं प्रसिद्ध लेखाकार प्रतिभा सक्सेना जी की लिखी कहानी कीमत। तो चलिए बिना देरी किए कहानी को शुरू करते हैं। रोने की धीमी धीमी आवाज अब भी उसे सुनाई दे रही है। क्या सोच रही हो डार्लिंग? ऐसी सोई सोई निगाहों से जैसे तुम किसी दूसरी दुनिया में हो। उसका मुंह अपनी ओर घुमाकर आदमी ने उसे और निकट खींच लिया। तंबाकू और शराब की भभक से मोतिया को उबकाई आने लगी। रात काफ़ी बीत चुकी थी, 1 बजा होगा शायद, उसने सोचा। इन आदमियों को नींद नहीं आती क्या? फिर स्वयं को समझाया उसने, पैसे दिए हैं, उसकी कीमत तो वसूल करेगा ही। उसके दबाव से छुटकारा पाने के लिए उसने पूछा, जी पानी लेंगे? पानी? कीचड़ से भरी आंखें मिचमिचा कर भरभराती आवाज़ में वो बोला, हम पानी नहीं पीते डार्लिंग, हमारी प्यास तो उससे बुझती है। उसने बोतल की ओर इशारा किया, और तुम्हारे शबाब से। अच्छा चलो, अब तुम इतना कहती हो तो एक पैग और पिला दो। वो कपड़े संभाल कर उठी। और शराब, और नशा, और वहशीपन। होश में रहते हुए भी कौन सी कसर छोड़ देते हैं जो शराब पी पी कर और दरिंदे बन जाते हैं। गिलास पकड़ाते पकड़ाते उसे लगा बच्चे की रोने की आवाज़ और धीमी हो गई है। कहाँ तक रोएगा बेचारा, थक गया होगा, रोते रोते गला सूख रहा होगा। 5 महीने का कमज़ोर सा बीमार बच्चा 9 बजे से अकेला पड़ा है। मन रो उठा मोतिया का। रोने की आवाज़ बार बार रुक जाती, फिर धीमे धीमे सुनाई देने लगती। ये आदमी क्या बिल्कुल बहरा है? इसे कुछ सुनाई नहीं देता? पर इसका ध्यान जाएगा ही क्यों? बच्चा, वो तो दूसरे कमरे में है, दरवाज़ा बंद है। रोने की आवाज़ भी इतनी धीमी है कि पूरा ध्यान दिए बिना पता ही ना चले। इसके बच्चे होंगे या नहीं? होंगे, घर पर बीवी बच्चे, यहाँ पे हम जैसियों के साथ। वह धीमी आवाज़ मोतिया का कलेजा चीरे डाल रही थी। बच्चा तो मेरा है, मुझे तो सुनाई देगा ही, और कौन सुनेगा। जैसे ही आवाज़ रुकती है उसका सारा ध्यान उधर ही केंद्रित हो जाता। उसे लगा, मेरे मन का भ्रम तो नहीं है? बच्चा रो रहा हो और मुझे लग रहा हो कि चुप हो गया है, थक कर सो गया या नहीं। सोएगा कैसे, भूखा जो है, 8 बजे दूध पिलाया था, जब से बीमार पड़ा है ठीक से पीता ही कहाँ है। जरा सा पिया और मुँह झटक लिया, और अब तो रात का 1:30 बजने आया है। भीगा होगा, हाँ हो सकता है, गंदा भी हो पड़ा होगा, गला सूख गया होगा, कोई कम रोया है क्या? ठंड में पड़ा होगा, भीगा भागा, कहाँ तक रोएगा। आज वैसे भी गले से आवाज़ नहीं निकल रही उसकी। उसकी आँखों में आंसू आ गए। ये भरी भरी आँखें, क्या खूबसूरती है। बस आँखों में ही संभाले रखना, ढुलक ना जाए कहीं। वाह, क्या आदा है मेरी जान, इसी पर तो हम मरते हैं। उसने अपनी ओर फिर खींच लिया। मोतिया ने मुंह घुमाकर आंसू पोंछ लिए। रो मत, आई हेट टीयर्स। तुम्हारी वजह से मैंने 50 रुपये ज़्यादा दिए हैं। बिल्कुल नई नई आई हो ना अभी, और लगती भी एकदम नई हो, नहीं तो 100 रुपये कुछ कम नहीं थे। और मेरी जान, हमारे साथ हो, मौज करो। ये रोना क्यों आ रहा है? आपका प्यार देखकर घरवालों की बेइंसाफ़ी याद आ गई साहब, खुश होकर वह और उत्तेजित हो उठा। मोटी मोटी उंगलियों का दबाव असहनीय हो उठा। पर 125 रुपये बहुत होते हैं, 25 तो होटल वाला रखेगा। बच्चे की दवा, उसका अपना पेट, जिसे भरे बिना बच्चा तो भूखा रहेगा, और खोली का 3 महीने का किराया, जिसे वसूलने मालिक का आदमी हर 4th-5th दिन आ बैठता है। उसकी आंखें और बातें डर पैदा करती हैं। 1 महीने का किराया तो दे ही देगी, फिर 1 महीने तो पीछा छोड़ेगा, और कहीं खोली भी कहाँ मिलेगी रहने के लिए। भाई को लिखा था ले जाए आकर, पर 2.5 महीना हो गया इंतज़ार करते करते, चिट्ठी तक नहीं आई। पता नहीं वहीं है या कहीं और चला गया। ससुराल में बूढ़ी सास के अलावा जेठ है, पर उनने कभी मतलब नहीं रखा। यहीं रहना है मोतिया को तो कोई काम ढूंढ लेगी। शुरू शुरू में 4-6 दिन पास पड़ोसियों ने पूछा,
पर वे भी कितना करते। सबके अपने अपने रोने, खोली के बाहर नए नए चेहरे दिखाई देने लगे हैं। उसे देखकर मुस्कुराते हैं, गाते हैं, किससे कहे मोतिया। बच्चे को लेकर चुपचाप पड़ी रहती है। हमें खुशी चाहिए, पैसे दिए हैं मुंह लटकाने के लिए नहीं। वो मुस्कुरा दी। शराब का भपका जैसे सिर में चढ़ा जा रहा है। वो मुंह घुमाती है पर मोटा सा हाथ उसका मुंह अपनी ओर घुमा लेता है। सांस लेना मुश्किल हो रहा है, दम घुटा जा रहा है। वो अपना सिर एक ओर करने की कोशिश करती है। दूर दूर क्यों भागती हो मेरी जान, बस यूं लेटी रहो। होंठों पर थूक लगा है, गाल चिपचिपा रहे हैं। बाह उठाकर वह पोंछ लेती है, ठीक से सांस भी नहीं लेने देता। लगता है सो गया। उसने अलग होने की चेष्टा की तो और जकड़ लिया। रोने की आवाज़ धीमी होकर रुक गई। क्या बात है डार्लिंग? कुछ नहीं। फिर इतनी ठंडी क्यों हो? एक पैग ले लो, सब दुरुस्त हो जाएगा। मौज करो मेरे खर्चे पर। वो उसके मुंह से लगना चाहता है। मोतिया ने फिर मुंह फेर लिया। हम नहीं पीते साहब, कभी नहीं पी, आदत ही नहीं है। मोतिया का पेट भूख के मारे ऐंठ रहा है। तुम्हारा आदमी तो पीता होगा। उसकी बात मत करिए साहब। उसकी बात? वो होता तो ये नौबत क्यों आती? कैसे चाव से लाया था इस शहर में। 2.5 साल ही तो हुए थे ब्याह को। क्या मालूम था दंगे में गोली उसी को लगेगी। उसे तो पता भी नहीं था कपड़े लेकर कहाँ कहाँ फेरी लगाने जाता। मंदिर और मस्जिद के बीच की जगह थी। एकदम झगड़े की आवाज़ें आने लगीं। भगदड़ मच गई। फटाफट दुकानें बंद होने लगीं। ईंट पत्थर, छुरेबाजी, मारकाट और फिर गोलियां चलने लगीं। एक गोली आकर सिंभू, मोतिया के घरवाले को लगी। पड़ोस के बिंदेसरी ने बताया था, सिंभू उस मोहल्ले में अक्सर फेरी लगाने जाता है। 2 दिन तो कुछ पता नहीं चला, और पता चला तो रोती कलपती मोतिया 3 महीने के बच्चे को लेकर पहुंची। हाथ आई चीरी कटी लाश जो पहचानी भी नहीं जा रही थी। पर रोने पीटने से आदमी तो जिंदा नहीं होता साहब। हमें तो आपके लिए लग रहा है घर पर किसी ने खाली पेट पीने को मना नहीं किया। बस बस, अब खाली पेट नहीं, कुछ खाने को मंगाओ, खाओ तब। अरे तो तुम भी खाओगी? वो खुश होकर बोला। खाली पेट तो बस रोना आएगा, फिर बच्चे का पेट भी तो भरना है। हाँ हाँ, आपका साथ फिर कौन देगा? अच्छा लो अभी मंगाता हूँ। फौरन बैरे को ऑर्डर दिया, 2 प्लेट बढ़िया खाना फौरन लेकर आओ। वो खाना खाती है, खाती भी है, खिलाती भी है। वो खुश हो रहा है। मोतिया उसके चेहरे को देखती है, लाल लाल आँखें, चारों ओर कालिख। देखकर मन खराब हो गया। चलो थोड़ी देर और सही, अब तो पेट भरा है, कहाँ तक नहीं सोएगा। आज छुट्टी मिल जाए बस, बच्चे को संभाल लेगी। बस कल उसकी दवा और दूध की बात है, फिर तो कहीं काम ढूंढ लेगी। चौका बर्तन, कुटना पिसना सब करेगी। इस होटल में कभी नहीं आएगी। होटल वाला तो कब से बुला रहा था, वही तैयार नहीं होती। पर भूख और बच्चे की बीमारी ने लाचार कर दिया, तब मजबूर होकर खुद आई। बच्चे को हर कीमत पर जिंदा रखना है। चल अकल तो आई तुझे, होटल वाले ने कहा था। बच्चे को पास के स्टोर में सुलाने की व्यवस्था भी कर दी थी। आ जाया कर मोती, किसी को नहीं पता चलेगा, आखिर को जिंदा तो रहना है। अचानक मोतिया को बड़ा सन्नाटा लगने लगा। कान लगाकर सुना, नहीं नहीं आवाज़ नहीं आ रही है। सो गया? थककर चुप हो गया, शायद रोते रोते गला बिल्कुल बैठ गया। आवाज़ बिल्कुल नहीं सुनाई दे रही। ध्यान से सुनने की कोशिश करती है, नहीं सिसकी भी नहीं, बिल्कुल शांति। थोड़ा थोड़ा खिसक कर वह उठकर खड़ी हो जाती है। कहीं चेत ना जाए, नहीं तो फिर टूट पड़ेगा जानवर की तरह। जानवर भी ऐसे नहीं होते, गिद्ध है गिद्ध। आदमी ने करवट बदली, मुंह खुल गया, लार बह चली। घिनाकर मोतिया परे हट गई। स्थूल शरीर, विकृत चेहरा, घृणा हो आई उसे। भरभराती आवाज़ आई, कहाँ चली मेरी जान? बड़ा जुल्म किया है साहब, अंग अंग चटक रहा है। आप तो बड़े, अब क्या कहें, शर्म आती है। हूँ, आदमी पर सुस्ती छाई है। तुम बहुत अच्छी हो, चलो आज तुम्हारी छुट्टी। फिर कब? अरे साहब आप जब कहें दौड़ कर आऊँगी। फिर हिम्मत कर बोली, तो अब आप आराम कीजिए।
उसने रुपए उठाए और दरवाज़ा खोलकर भागी। भर से स्टोर का दरवाज़ा खोलती हुई भीतर घुसी। अंदर धीमी रोशनी में बिल्कुल शांति। झुककर ज़मीन पर बिछी चौथा चादर को टटोला। सारे कपड़े भीगे हैं, कितना ठंडा हो गया, एक तो सर्दी ऊपर से भीगे कपड़े। उसने बच्चे को उठाकर पेट से लगा लिया। कहीं कोई हरकत नहीं। हिलाया डुलाया कुछ अंतर नहीं पड़ा। उसने झट से उसे चादर पर रखा। सिर एक ओर लुढ़क गया, हाथ पांव अकड़े हुए, स्पंदनहीन निर्जीव। ब्लाउज के बटन बंद नहीं थे। कंधे का स्ट्रैप खुलकर नीचे लटक आई ब्रा फूल कर उभर आए नीले नीले निशान दिख रहे हैं। ढीले से पेटीकोट में घुसा साड़ी का एक कोना बाकी देहरी के बाहर घिसटती पड़ी हुई। रुपए हाथ से गिरकर बिखर गए। वो आंखें फाड़े बच्चे की लाश को घूरे जा रही है। दोस्तों, आप सुन रहे थे प्रसिद्ध कथाकार प्रतिभा सक्सेना जी की लिखी कहानी कीमत। आशा करती हूँ आपको ये कहानी पसंद आई हो। आपके विचार कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताएं। मिलते हैं दोबारा एक और नई कहानी के साथ। तब तक स्वस्थ रहिए, खुश रहिए।